छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अजीत जोशी की पार्टी जनता कांग्रेस और मायावती की बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ है। दोनों पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। दोनों दलों के बीच हुए समझौते के तहत 90 में से 35 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी, जबकि अजीत जोशी की पार्टी 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इससे पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीएसपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीएसपी 35 और जनता कांग्रेस 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो अजीत जोशी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोशी ने कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद अपनी पार्टी का गठन किया था। मायावती ने कहा कि गठबंधन को लेकर उनकी राय स्पष्ट है कि उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ तभी गठबंधन करेगी जब उसे समझौते के तहत सम्मानजनक संख्या में सीटें मिलें। छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जनता अब अपना मुख्यमंत्री चुनकर सत्ता के सिंहासन तक किसे पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।